हेलो गाइज, वेलकम टू फिजिक्स मेड इज ओडिशा। तो ए भिडियो में सी एच एस एग्जाम होता फिजिक्स रो, तो ग्रुप बी रु किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं के आछी। तो मुझे जमी वन मार्क क्वेश्चन देवी, तो देखिए आंसर विथ आपको सॉल्यूशन देवी प्रॉब्लम मानक। तो चलो तो फास्ट देखद, तो यहाँ सेट ए रो, तो ग्रुप बी देखो। फास्ट क्वेश्चन था फाइंड दि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 0.01 मीटर पर सेकंड, माइक था डीब्ल्यू वेवलेंथ के। तो मुझे निहाती कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीब्ल्यू वेवलेंथ क्वेश्चन आसो तो आस। तो तीन नंबर ए क्वेश्चन टा देखो, डीब्ल्यू वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच है प्लैंक कांस्टेंट, पी है मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू एम भी मास ऑफ वेलोसिटी, एच है प्लैंक कांस्टेंट, तार कांस्टेंट वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 बाई एम देजी ग्राम। तो ग्राम रूट के जी को एसआई यूनिट, तो 10^-3 गोटे इंटू करवा देन 0.01 मीटर टा लिख पारा आम डायरेक्टली ये पुट करदे कारण यहाँ एसआई यूनिट अच्छी। देन आपड़ जब पुट करेंगे तो आप लास्ट को आंसर 6.626 इंटू 10^-21 मीटर, 6.6 इंटू 10^-29 मीटर। तो आंसर मीटर में आसो वेवलेंथ बोली तार एसआई यूनिट मीटर में। चलते देखिए नेक्स्ट देखो, तो डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन था थ्री कैपेसिटर्स अच्छी, ईच ऑफ कैपेसिटर्स तीन ओम लेखा कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटेंस सीरीज रे 0.1 म्यू एफ माइक्रो एफ फैराडे, ठीक है। तो तार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस केता हो, तो हम जानते कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल आपन कोई डिस्कशन करती, तो पैरेलल कनेक्शन रे एड या तेमती सिंपली, तो 0.3 0.3 0.3 एड हैसला पर सी पैरेलल ले हो 0.9 म्यू एफ। देन आपन सीरीज रे कनेक्शन बेले 1/C सीरीज इक्वल टू 1/0.9 प्लस 0.01 एटा सीरीज रे अछि, तो यार इक्विवेलेंट आइला 0.9। देन एटा सीरीज रे कनेक्शन करिवे, तो आपण जदि आपण लसा को नेबे एलसीएम 0.09 इनटू हे जीवो 0.1 इनटू 0.9, सो 1/0.09 तो उल्टी जीवो, तो सी इक्विवेलेंट आसीबो 0.09 माइक्रो फैराडे, ठीक अछि। तो एटा आंसर आला 0.09 माइक्रो फैराडे। तो देखो तो नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन, जी नंबर क्वेश्चन थिला बडे करंट थिला, देन सर्किट रे सेल ऑफ ईएमबी दिथिला 6 वोल्ट, देन इंटरनल रेजिस्टेंस आपन दे दिथिला 0.01 ओम, करंट दिथिला 2 एम्पियर, तो मागी थिला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केते हबो। तो दुई प्रकार करि परिबे, तो सिंपल वे मुं कहि दउची, तो आई करंट हला ईएमवी बाय आर, दैट इज आर टाला इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ई बाय आर प्लस आर, सो 2 आई दिछि, ई दिछि एमएफ 6 बाय आर प्लस 0.1, तो आप जदि एड करिबे देन 3 - 0.2.9 ओम करि परिबे। ये भी गोटे मेथड सर्किट नहीं किंबा आप जानते ईएमएफ इक्वल टू भी प्लस आई आर, आई टाला इंटरनल रेजिस्टेंस मोल आर, तो ये भी बाहर 5.8, देन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू ई माइनस बी वाई, तो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन आसो, देन आर इक्वल टू आर इंटू भी वाई ई माइनस बी करेंगे जी 2.9 ओम आर करेक्ट आंसर हो 2.9 ओम, ठीक अच्छे। तो देन नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एच नंबर क्वेश्चन, जो 3 नंबर अच्छी एच नंबर क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन, तो इतना गोटे कन्भेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 मीटर देखी, मागी थला व्हाट डिस्टेंस वुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट हैव अ रियल इमेज मैग्निफाइड ट्वाइस हो, तो फॉर रियल इमेज मैग्निफाइड -2, तो एम इक्वल टू भी बाय यू इक्वल टू -2 लिख पारिया, सो भी इक्वल टू -2 यू, ठीक अच्छे। तो भलसे मार्क करूँ, तो आप साइन -2 यू, देन आपण मानक लेंस फर्मुला, देन जी आप लेंस फर्मुला जीवे दैट इज 1/V -1 = 1/F, देन भी बदल लिखे -1/2 यू जो लिख पारे बदल -2 यू लिख पारे, देन -1 = 1/F जब करेंगे दैट इज -3/2 इंटू हो, तो 5 × -3 -15, देन 2 यू हो -15/2, सो यू इक्वल टू -15/2 इक्वल टू से -7.5 मीटर, तो माइनस आसे तार इमेज डिस्टेंसटा गोटे कनभेक्स लेंस रे दैट इज -7.5 मीटर। जब आप चेक कर तो -7.5 मीटर यू पुट करेंगे -7.5 माइनस यू बदल पुट करेंगे आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस यू बाहर यू इक्वल टू -2 पुट करदे, देन पुट कर सारापर भी इक्वल टू -2 दैट इज -2 इंटू यू बाहर -7.5 दैट इज 15 आसो, तो 1/15 प्लस यूटा -7.5 तो प्लस 1/7.5 तो 3/15 हो, तो 5 कटिजो, तो ये इक्वल टू 5 आसो, तो ठीक अच्छे। तो आंसर इज -7.5, तो आप चेक करेंगे। देन आप इ नंबर क्वेश्चन गोटे देला गोटे क्वेश्चन बिस् टाइप कारण एमती गोटे सर्किट देता 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, देन पी क्यू आर एस दे देते पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो 1 आसो सेम आस, तो क्वेश्चन बिस् तो जो मिडिल अच्छे आपंकर ओमटा यहाँ आप दरकार नहीं उठीज, देन आपत लिख पारे 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, सो आर 1 यहाँ देखो आप करेन्टा डिवाइड, तो ये पार्लर अच्छी
देन एटा 2A 3 ओम सीरीज रे अच्छा तो आगे ये पट्टा बाहर कर दिया है सीरीज रे तो 2 ओम 3 ओम मिसिक 5 ओम ये पटे भी देखो ये सीरीज है कारण करंटा सेम डायरेक्शन जा 3 ओम 2 ओम प्लस 5 ओम होगा देन ये दुटा है पैरेलल अच्छे ठीक है कारण करंट डिवाइड होती करंट डिवाइड हुए पैरेलल कनेक्शन तो देखिए 1/r = 1/r1 + 1 + 1/r2 सो करिए जदि 2/5 हो तो उल्टी देवे 5/2 तो 2.5 ओम इज द राइट आंसर तो यार आंसर है 2.5 ओम देन तापर देखते गोटे रेजिस्टिविटर क्वेश्चन देता जे गोटे स्टेट ओम्स लॉ कही ओम्स लॉ जानते इक्वल टू आई एजाइट प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग ठीक अच्छे देन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर देता तो रेडियस 0.5 माने 0.5 × 10⁻³ मीटर एसआई यूनिट करेंगे देन लेंथ देता 10 सेंटीमीटर मीटर कले 10⁻²² गुणवे 10⁻¹ मीटर होगा आर दे रेजिस्टेंस 25 ओम सो जानते गोटे कंडक्टिविटा ये टाइप रही है गोटे तार वायर जो धरवा गोटे यहाँ सर्किल टाइप रही है तार रेडियस आर अच्छी तार एरिया π r² तो π r² π बदल 22/7 पकईदे जानते रेजिस्टेंस बाहर आर इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी आर टाला रेजिस्टिविटी ठीक है रेजिस्टिविटी मुझे पढ़े आपको आर इक्वल रोएल बै ए सो रो इक्वल टू आर ए बै एल देन कंडक्टिविटी जानते 1/रेजिस्टिविटी जब पुट करेंगे सो वैल्यू जो ये पुट करदे 10⁻¹ बदलने देन 22/7 × π r² पुट करदेली देन 25 r पुट कर सारापर आप वैल्यू 0.050 × 10⁻¹ दैट इज 5 × 10⁻⁷ मो आसो तार यूनिट है मो यूनिट भी लिखे तो कंडक्टिविटी आंसर एति आसो ये एफ नंबर क्वेश्चन थी ठीक है तो ये थ्री नंबर क्वेश्चन थी सब 3 मार्किया क्वेश्चन देखता गोटे बायो कनभेक्स लेंस गोटे क्वेश्चन आसाला तो आई एटा है 4 नंबर आई तो 4 नंबर क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन 4 नंबर आई तो ये बायो कनभेक्स लेंस देता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचारा रेडियस देता 5 सेंटीमीटर आउ डायोप्टर देता पावर देता 5 डायोप्टर तो दुई प्रकार करेंगे सेंटीमीटर मीटर करेंगे किंबा जब आप सेंटीमीटर डायरेक्ट पुट करदे आर इक्वल टू सेंटीमीटर बायो कनभेक्स लेंस r1 - r2 हो जाए सो पी इक्वल टू 100/f लिखिदेवे सो 5 है पावर देखिए 100/f सेंटीमीटर रे एफ इक्वल 20 सेंटीमीटर पका लेंथ है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव रखिए देन 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2 दैट इज प्लस हो कारण r2 - r1 तो 2/r हो दैट इज 2r इज 5 तो 2/5 हो गला तो हमें करिए यदि μ-1 इक्वल टू 1/8 तो μ इक्वल टू 1 + 1/8 दैट इज 1.125 तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसो तो बहुत आंसर दिया है -20 यूट्यूबर देखते तो मुझे 20 नहीं करी आपने मतलब कमेंट करके कहे आई थे ठीक अच्छे ना माइनस ना पॉजिटिव नहीं बहुत सारा रेफरेंस नहीं तो पॉजिटिव बहुत जगह अच्छे से पॉजिटिव नहीं करी जब नेगेटिव आसो तो 0.875 आंसर आसो तथा यहाँ मतलब लगे ठीक आंसर 1.125 ठीक अच्छे आपड़ मार्क करूँ देन आपक्ट जब मुव करें चलते देखा देखो गोटे 4 नंबर क्वेश्चन था 4 नंबर बी क्वेश्चन था आपड़ी सेट थी आपर तो देखा जे राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ 2 इनपुट ऑफ नांड गेट तो नांड गेट रहा इंटू हो जाए तो नांड मैंने नोट गोटे नागिज ये गोटे नोट नागिज तो वाईक्वल टू a.b रो माने बार हो ठीक अच्छे जदि ए बी इंटू करा विथ बार दवा वन आस 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 ट्रुथ टेबुल यहाँ आसो तो ट्रुथ टेबुल मार्क करते सहीटा आसो देन आप गोटे दुई मार्क क्वेश्चन आसाला मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नोट यूनिट कौन म्यू नोट यूनिट आप भाग करेंगे बी कल म्यू नोट आई 4π r² 4π r तो सही आप आसो m1 l1 t-2 a-2 यहाँ है यूनिट सरी डायमेनसन मांगा तो डायमेनसन m1 l1 t-2 a -2 इन उपरे ठीक अच्छे तो यहाँ है आम यूनिट सरी डायमेनसन आसाला क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो 3 नंबर इश्यू था क्वेश्चन तो यहाँ आउ भी बहुत सारा क्वेश्चन था कि थ्योरी बेसिस क्वेश्चन था मेनली मुझे डिस्कसन करदे प्रोब्लेम एटी जी आपको लगुच आउ कि आंसर प्रोब्लेम हम तो मत कमेंट करूँ निहाती आउ भिड जब भल लगे तो लाइक सेयार करूँ आ सब्सक्राइब करूँ चैनल को धन्यवाद।